आज जो बेसिकली हमारी क्लास है जिसमें हम चर्चा करेंगे, कुंडली भी हम आपको दिखाएंगे, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि हमने एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज की और हमें रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मैंने आपको कोर्स के दौरान भी बताया था कि रेमेडीज का टाइमिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कब हमें रेमेडीज करनी है और कैसे रेमेडीज करनी है, ये ज्यादा रोल प्ले करता है। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या क्या है कि आजकल एस्ट्रोलॉजर भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक पे छोटे छोटे रील्स जो शॉर्ट्स आ रहे हैं वो बनाने लग रहे हैं, 20 सेकंड, 25 सेकंड में जो एक रेमेडी दे देते हैं। अब इसका लोगों पे काफी गहरा इम्पैक्ट हो रहा है। कुछ भी समस्या है, चूंकि अब रीजन आप सोचो, कुछ भी यहाँ पे जनरल नहीं है, सब कुछ पर्सनलाइज्ड है। चाहे आपकी कुंडली है, आपका वास्तु है, आपका टेम्परामेंट है, आपका बिजनेस है, आपका रिलेशन है, सारी चीजें। लेकिन इस चीज को समझने की बजाय हम ये सोचते हैं, अब आप सिंपली जो मेडिकल से इंडिया में तो हर एक आदमी डॉक्टर है और हर एक आदमी अब एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट भी बन गया, सभी लोग दवा सजेस्ट करने लगते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को लगता है कि उसके बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहा है। अब वो कहीं की रील्स देख लेता है, अब उस रील्स में किसी ज्योतिषी महोदय ने बता दिया कि बस ये काम आप कर दो, सारी समस्या का समाधान। ठीक है, बस अब वो सारी रेमेडीज उसने कर दी, कोई रेमेडी लाल किताब के नाम पे बताया जा रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन अब बात यह है कि हम किसी को रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें तो उससे मतलब है नहीं। हमारा कंसर्न किससे है? हमारा कंसर्न है कि जो हमसे कांटेक्ट कर रहा है, जो हमारे क्लाइंट हैं, या हम अपने लाइफ, अपने फैमिली मेंबर्स की लाइफ के लिए जो हमने सीखा है, एस्ट्रोलॉजी सीखा, वास्तु सीखा, एस्ट्रो वास्तु सीखा है, तो फिर इसके लिए जब हम काम कर रहे हैं तो क्या पॉइंट दिमाग में रखना है। यानी एस्ट्रो वास्तु ऐसा लगे कि जैसे हमें लगे कि हमें एस्ट्रोलॉजी आती है, वास्तु आती है, एस्ट्रो वास्तु आती है, हम कुछ भी कर लें सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। नहीं, तो एक प्रॉपर एनालिसिस आपको फॉलो करना होगा। बीमारी कहाँ तक है, बीमारी कहने का मतलब वो एस्ट्रोलॉजी में जो योग है या जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ तक आपको दिख रही हैं और कहाँ तक क्योर हो सकती हैं, ये पहले जब आप एनालाइज कर लेंगे तो पता चलेगा। सामान्य तरीके से मैं ये बताऊं, यदि कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि पहले हम रूट कॉज तक जाना है, क्यों सेल नहीं हो रहा है, ये रूट कॉज है, या सेल हो रही है आपके पैसे फंसे हुए हैं, ये रूट कॉज है, या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं, ये रूट कॉज है। मतलब जब तक आप उसको थोड़ा सा माइन्यूट लेवल तक नहीं जाएंगे, या फिर स्टाफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब तक आप उसको कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए कोई आदमी है जिसका ये समस्या है कि पैसे फंसे हुए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस के मार्जिन जो आपका है या बिजनेस मॉडल है, उस हिसाब से 10-20% पैसे फंसते हैं। जैसे 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, उसका MRP 350, 350 है। अब आपको बेचना है, कोई आपके ग्राहक आया, 250 हम दे देते हैं, अब आपने 100 रुपये उसके नाम पे उधार लिख दिया, बेसिकली आप तो आपका पैसा फंसा नहीं ना, 100 रुपये में आपने खरीदा, 250 में बेच दिया, MRP ना 350 है। अब उस 100 को लेके फिर ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने टेंटेटिवली आपको समझाया, अब इस स्थिति में इस 100 को काउंट करने में कोई मतलब नहीं बना, नहीं, क्योंकि आपको बेचना है बेसिकली। तो ऐसे ऐसे यदि बिजनेस मॉडल आपका है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसको लेके आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता है, पहला बात। दूसरा बात, बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिसमें आपको उधार देना ही भाई, यानी आप भी उधार लेते हैं, फिर आप सामने वाले को उधार देते हैं, और जो बिजनेस आपका है, जिस दुकानदार को आप उधार दे रहे हैं, आप उधार बंद कर देते हैं, तो पता चल रहा है ऑलरेडी 10 पार्टी और पहले से उसके पास है, वो नहीं देंगे तो हम देंगे। तो यदि ऐसा बिजनेस मॉडल है और आप उसमें फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो बिजनेस को चेंज कर देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि आप सबकी करा दशा जाके ठीक किया जाए कि भाई इनका पैसा दो, फ्री का पैसा लेना किसको अच्छा नहीं लगता है। नहीं, तो ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं, चलो उधार चलता जाए जो चीजें, मतलब एक तो टेंडेंसी भी है ना, लोगों की मानसिक स्थिति कलयुग है, तो वो सारी चीजें बदल नहीं सकती, तो रियलिटी को जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लें वो उतना अच्छा होता है। तो ये भी चीज हमें ध्यान में रखना है। तीसरा ये पॉइंट है कि क्या आप बिजनेस के लिए बने हैं? नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या आप बने हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी चीज को हम भी छोड़ देते हैं और जो क्लाइंट है वो भी इस चीज पे ध्यान नहीं देते।
मैं अपने एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ, मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे मैं किसी को पैसा कर्ज दे दूँ तो 90% मैं नहीं मांगता केस में, मुझे लगता है अरे क्या सोचेगा, क्या कैसा इस प्रकार से, यानी पैसे मांगने की जो स्थिति है वो मेरे अंदर वो नहीं है। ठीक, अब आप ना मांगो तो कई बार क्या है कि पैसे टाइम पे नहीं आएंगे या वो आएंगे ही नहीं। ठीक, तो इसके लिए क्या है, उधार देना बंद पहला। दूसरा, यदि किसी केस में देना है तो उतना ही देना है कि ये सोच के कि वो दे तब भी ठीक है, ना दे तब भी ठीक है, क्योंकि पैसा दे के रिलेशन खराब करने से अच्छा है बिना दिए खराब कर लो, क्योंकि कल हो के तो खराब कर ही देगा, वो देगा नहीं, सिंपल सी बात। तो ये चीज मैंने 100% फॉलो कर लिया। सेकंड थिंग पे आते हैं कि जब हमें कोई काम करना है, जब हम किसी को कंसल्टेशन देते हैं, वास्तु करने जाते हैं, जो भी, अब यदि किसी के यहाँ गए तो हम जाते वास्तु के लिए, लेकिन बेसिकली वास्तु के साथ कुंडली वगैरह देखना होगा। साथ ही साथ क्या होता है कि यदि उनके यहाँ कोई आ जाते हैं, उनके रिलेटिव के आपके यहाँ वास्तु कंसल्टेंट आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी कुछ पूछ लीजिएगा, उसकी भी कुंडली है। अब वो भी दो चार लोग आ जाते हैं, फिर क्या है कि अगल बगल में कोई है और उनको पता चला, जैसे 2 दिन का टूर हुआ तो किसी को पता चला तो वो भी आ गए। ठीक, तो अब बेसिकली अब वहाँ पे हम ये कहें कि हम किसी के यहाँ गए हैं, तब हम ये बोलें कि एक कुंडली का हम ये चार्ज करते हैं आप दो, उतना अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे हैं, मतलब उतना भी अब प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि वहाँ बैठ के अब हम उनसे वो प्रत्येक कुंडली के हिसाब से चार्ज करने लगे। ठीक है, तो इसलिए यदि मैं अब किसी के यहाँ जाता हूँ तो मैं मिनिमम वो चार्ज कर लेता हूँ कि अब वहाँ ठीक है, तुम्हारा जो वास्तु जो चीज़ें तुमने बताया वो करना तो करना है, उसके साथ तुम 2-4-5 कुंडली भी दिखवा लोगे तो ठीक है, मुझे कोई ये आपत्ति नहीं है। क्योंकि अब शुरू की जो डीलिंग है, यदि वो अंदर सेटिस्फाई होगा तो करेगा, नहीं होगा नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि किसी से फीस के रूप में आप जो चार्ज करना है कर लो, लेकिन आप ये कह दो कि ये जो रेमेडीज है ये स्टोन मैं ही बेचता हूं, तो वो आप चोर का लेवल है, क्या लगेगा लोगों की ये ठग है, कौन सी ऐसी रेमेडी जो पूरी दुनिया में आप ही रखते हैं, नहीं भले वो 500 की ही क्यों ना हो। ठीक, तो ऐसे कुछ चीजों की डीलिंग, मतलब जो आपको लगता है कि ये मेरे अनुसार सुटेबल नहीं है, मैं इस लायक नहीं बना हूं, तो वो आप बिजनेस डीलिंग में ही उस चीज को लाइए, वो लाना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा प्रॉपर तरीका है। क्योंकि अब सिर्फ आप ये सोचें कि नहीं हम 6th हाउस को एक्टिवेट कर लें, 11th को कर लें, उससे कोई मतलब नहीं है। रियलिटी की जितने नजदीक रहेंगे उतना बेटर आप फील करेंगे, समझ में आ रही है ना बात। ठीक है, किसी कोई भी आदमी कोई ऐसा प्रॉब्लम लेके आता है जो प्रॉब्लम मेंटलिटी से रिलेटेड है, मेंटल कंडीशन से रिलेटेड है, जो हमारे सोच पे हमारे नेचर पे प्रभाव डालती है, उसमें बेहतर है कि हम उन्हें सजेस्ट करें कि आप जो मनोचिकित्सक हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, उनसे मिलें, प्रॉपर एक काउंसलिंग हो। जैसे कोई आदमी को नशे की लत है, ड्रिंकिंग है, ठीक, अब जैसे कोई मुझसे कुंडली दिखाता है, शुरू में ही बात हो जाती है कि ड्रिंकिंग ही उनका सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो वहां मैं क्लियरली बोलता हूँ कि जो प्रॉब्लम है एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको रेमेडीज बता दूंगा, क्योंकि मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना आवश्यक है। रीजन क्या है, कुछ भी जो हम नशा लेते हैं हमारा शरीर उस पर आश्रित हो जाता है, हैबिचुएटेड हो जाता है। जैसे जो लोग खैनी खाते हैं, क्या है उनको चाय लत लग गई, चाय भी रेगुलर आपको पीने का एक हो गया, आप उसके आदि हो गए, तो एक निश्चित समय अंतराल पे आपको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए। अब उस चीज को आप कोई सोचे कि हाँ ये स्टोन पहना के या फिर हम ये उपाय करा के इसको छुड़ा दें, ठीक है, 1-2 केस में आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, अदरवाइज किसी को डार्क में क्यों रखना, क्लियर कट बात है। क्योंकि आखिर हमने इस नए जमाने में हम सभी लोग अलग अलग फील्ड, यानी मुझे नहीं लगता कि आप में से शायद किसी का बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजिकली होगा। अभी 90% वैसे ही लोग आ रहे हैं जिनके अपने फैमिली में किसी का भी संबंध एस्ट्रोलॉजी से नहीं है, वो लोग इस एस्ट्रोलॉजी और वास्तु फील्ड में आ रहे हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, और वो आके उनके आने के बाद से सोसाइटी में फिर एक गलत मैसेज जाए, कोई मतलब नहीं बनता। यानी हमें उसी चीज को अलग तरीके से फॉलो करना है। अभी मैंने एक जो डिटेल्स डाला था व्हाट्सएप ग्रुप में कि 18 साल से कम का किसी लड़का या लड़की का डिटेल्स किसी के पास हो
जो सेक्स एडिक्टेड है तो दीजिएगा, एक दो डिटेल्स आया उस पर भी आप लोगों से ही डिस्कशन करूंगा, उसमें बताऊंगा। अब जैसे वैसा केस हमारे पास आता है तो हम क्या करेंगे, हम ये कहें कि अरे ये कर लो, ये उपाय करा लो, वो करा लो, उसको भी हमें जो भी ये मेंटली अफेक्ट करने वाली चीजें हैं उसको भी एक डिजीज को तौर पे ही लेना है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे मानसिक संतुलन इलाज के लिए, काउंसलिंग करने के लिए साइकाट्रिस्ट है, कोई भी अच्छे जो काउंसलर है वो है, तो उनसे मिले, यदि हम में इतनी एबिलिटी है, फैमिली मेंबर में किसी में है तो वो इस चीज को बात करे। तो इससे क्या है कि जो रेमेडीज होगी ना वो एक रियलिटी के नजदीक पहुंचेगी और ये बेहतर आपको रिजल्ट देगा, अच्छा परिणाम देगा। और जो लोग उस रियलिटी को नहीं मानते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाएगी ये उपाय करने में, ये नग पहन लो, ये उपवास कर लो। मैं उपवास व्रत पूजा पाठ इस चीज का ये नहीं कर रहा, रियलिटी ये है कि किसने आपको, कौन से आप ये बोलते हो कि मैं प्रतिदिन शिवलिंग पे जल चढ़ाता हूँ ये समस्या खत्म हो जाए? क्या भगवान भोलेनाथ ने आपको कहा है कि आपकी समस्या मैं खत्म करूंगा शिवलिंग पे जल चढ़ाओ? आप तो अपने स्वयं के लिए नहीं जा रहे ना, अपने लालच स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। आपको ये बोलता है कि मैं 15 साल से हनुमान जी का पूजा कर रहा हूँ, मंगलवार व्रत कर रहा हूँ, हनुमान जी आपको बोले थे कि मेरी व्रत करोगे तो तुम्हारी समस्या खत्म कर दूंगा, आपकी अपनी स्वार्थ है। तो ये चीज को मतलब प्रैक्टिकल वे में समझिए, कोई ये हमने ये दान किया वो किया, अरे क्यों किया? नहीं, क्योंकि हो सकता है पहले भी किसी ने आपको रियलिटी बताई हो, आपको गलत लगा हो, और अभी भी बताई जा रही है तब भी आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे। ये जो कुंडली मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, इनका एज 52 या 53 इयर्स है, अब तक कैरियर में सेटल नहीं हो पाए, बिजनेस इनका नहीं चल पाया। तो 53 की उम्र में 20 से 25 एस्ट्रोलॉजर को दिखा चुके और अभी भी उसी चीज को आप पकड़े हुए हैं कि क्या हो सकता है आने वाला 2 साल कैसा रहेगा, क्या 24 या 25 में तो मेरा बिजनेस अच्छा नहीं हो जाए, क्या मतलब बनता है प्रेजेंट में जीना चाहिए, फ्यूचर क्या होगा, 19 में कौन जानता था कि 20 में कोरोना आ जाएगा, सिंपल सी बात थी। तो जब वो नहीं पता नेक्स्ट डे क्या होगा वो एग्जैक्टली नहीं पता, तो प्रेजेंट जो हमारी डीलिंग हो वो प्रेजेंट के अनुसार हो। बच्चे 5 साल के आप परेशान है कि ये इसकी शादी कैसे होगी, इसका जॉब कैसा होगा, अरे 5 साल का अभी इस हिसाब से देखो ना कि अभी ये खेलना कूदना, इसकी इस परवरिश जो उसके मेंटल हेल्थ को, उसके फिजिकल हेल्थ को अच्छा करे उस पर ध्यान देंगे, अभी ये देखेंगे इसका शादी कैसे होगा, उस टेंशन में आप है। नहीं, अभी आपकी उम्र 25 साल है, रेंट के घर में आप सोच रहे हैं कि मेरा बंगलो कब होगा। अरे यार अभी रेंट दे रहे हो ना, कितने लोग तो वो भी उस मकान में रहने वाले, उनको वो भी नहीं मिल रहा है यानी रेंट भी चुका सके। नहीं, तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो कि मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और एक जो कुंडलियाँ आती हैं आपके पास भी आती होंगी, जो भी आप भी ये फील करते होंगे, तो इसलिए ये एक परफेक्ट एग्जांपल लगा, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब तक जो हमने बातें की इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो बताइए। कुछ लोग तो बदलना ही नहीं चाहते, क्या किया जाए क्या किया जाए? हम अगर बताते कि तुम्हारे नंबर में प्रॉब्लम है, इसको बदल लो, अरे मैं इसको बदल नहीं सकता, 20 साल से यूज कर रहा हूँ, सब जगह लिंक है, फिर तुम्हारा नंबर क्या फायदा देगा, क्या मत बदलो भाई, ऐसी सिचुएशन रहती है तो के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ किया जा सकता है, मुझे तो नहीं लगता कुछ भी नहीं किया जा सकता उसके लिए, तो सामने वाला बदलना चाहिए, जमाने के हिसाब से चलना चाहिए, बदलते नहीं है तभी रेमेडीज काम करेंगी। ये कुंडली दिख रही है आप लोगों को? मेरा ये KP*1 वाला दिख रहा है आपको? 71 का इनका बर्थ है, यानी 51 साल, 16 अप्रैल को पूरा होके 52 में चले जाएंगे। नहीं, इनका जो बिजनेस है प्रोडक्ट सेलिंग, दवाओं की सेलिंग करते हैं, यानी बनाते हैं और बेचते हैं, ठीक। दवाओं की ट्रेडिशनल टाइप ही है, ट्रेडिशनल टाइप ये है कि जैसे दवाओं के MR होते हैं, तो इन्होंने भी MR रखा हुआ है, वो जगह जगह जाता है, डॉक्टर से विजिट करता है, देता है, ठीक। तो
इस बिजनेस यानी कुंडली देखने से पहले जो एक चीज मैंने इनको बताया था कि अभी आयुर्वेद का, योग का, जो भी हमारी विरासत है जो पीछे छूट गई है, लोगों ने फॉलो करना छोड़ दिया था, उन सब का क्रेज काफी बढ़ गया है। अब जिसका क्रेज बढ़ गया है उसके लिए आपको किसी मीडिएटर बिचौलिए की जरूरत नहीं है, आप स्वयं डायरेक्ट लोगों तक पहुंच के उसको बेच सकते हैं। और आप लोग देखते भी होंगे, फेसबुक वगैरह चलाते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं आयुर्वेद के आ चुके हैं, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का हो या स्किन रिलेटेड का हो, शुगर का हो, किसी भी चीज का हो, वो सब डायरेक्ट बेच रहा है और लोग उससे ले रहे हैं, घर घर तक पहुंच गया आदमी। यानी फेसबुक और यूट्यूब ऐसा माध्यम है कि वो कनेक्शन बन गया। तो जो आप कमीशन में खर्च कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर रहे हो, AMR पे खर्च कर रहे हो, वो सीधा बेनिफिट आप कस्टमर को देते हो। कस्टमर कस्टमर का ही प्रचार करेगा, सिंपल से मतलब जोड़ेगा उसको आपके प्रोडक्ट का, रिलेट करता जाएगा। कोई उधार का झंझट बकाया नहीं है, पैसा पहले लेके फिर भेजना है, डिस्पैच करना है। अब आप सिंपल इस चीज को ना समझ के इसी पे रह जाओ। जैसे मैं क्या है, ऑनलाइन आने से पहले मैं अपने साथ में, मेरा भी एक ऑफिस था, यहीं बैठ के काम होता था। कोरोना लॉकडाउन आया तो उसके बाद काफी लोग, उसके पहले व्हाट्सएप पे भी था, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह थे, लेकिन मेनली ऑफलाइन ही काम था, ऑनलाइन प्राइमरी तौर पे था कि चलो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें कुछ डिटेल वगैरह डाला जा रहा है, पोस्ट लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन ये यूट्यूब के थ्रू, जूम पे आना, ये 20 से चालू किया। अब काम का जब तक हम इम्प्रोवाइजेशन नहीं करेंगे, फिर आप कैसे जुड़ते हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि व्हाट्सएप के मैसेज को देखना, मैसेज कोई किसी का कॉपी करके डाल लेता है, लेकिन ये लाइव है, ज्ञान कहीं से सीखा ही हुआ है। लेकिन ये जो डीलिंग है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो मेरा खुद का है ना, इसको कोई कॉपी कर थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता। तो अब ऐसे चीजों पे आप नहीं सोचेंगे, नहीं बदलेंगे, तो फिर ग्रह दो नक्षत्रों को कितना दोष देंगे? गलत कह रहा हूं तो बताइए, नहीं दे सकते ना। यदि आपसे पूछा जाए आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, क्या आंसर हो सकता है? किसी एक आदमी का नाम लेना हो, सीता जी बताइए, सबसे पहले आप बताइए। ठीक सर मेरे डैड। है, त्रिलोचन जी आप बताइए, बस एक लाइन कुछ भी जो आपके मन में लगे या सोच भी सकते हैं, बस एक आदमी को बताना है। जो आपके साथ हरदम रहता वही। मतलब कौन है वो? हरदम तो आपकी वाइफ हैं, बच्चे हैं, हाँ बार में रहते हाँ हैं, माँ बच्चे बाप, हैं, माँ बाप, भाई, बेबी, इसमें से तब कोई एक भी हो आदमी सकता है। बताना है तो पूरे को बता देंगे। चलिए ठीक है, फैमिली फैमिली, मतलब फैमिली आया में है। से फैमिली आ सकता है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, त्रिलोचन जी आप बताइए। अरे माँ तो मान, चलिए आप सब लोगों ने जिस पर्सपेक्टिव में कहा है वो सही है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है जो प्रेजेंट में आपके साथ है? मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण आप हैं, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मैं हूँ। देखिए रीजन क्या है इसके पीछे, सबसे महत्वपूर्ण यानी प्रेजेंट में जब आप जी रहे हैं तो वो प्रेजेंट टाइम सबसे इंपॉर्टेंट टाइम हो जाता है। यानी यदि पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है तो वर्तमान समय, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है तो प्रेजेंट में जो आप कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है तो जो प्रेजेंट में आपके साथ है, क्योंकि ये प्रेजेंट ही तो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। मेरे लिए, सबके लिए अपनी फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ, वो कब कर पाऊंगा? जब आप प्रेजेंट टाइम में, मैं अपने प्रेजेंट वर्क को प्रेजेंट में मौजूद आदमी के साथ जब अच्छे से करूंगा, तभी तो फिर जो आउटपुट होगा उसको मैं उनको दूंगा। सिंपल सी बात है। तो ये प्रेजेंट वाले ये तीन चीजें के मैंने, जब मैं टीचिंग करता था, करता तो खैर अभी भी हूँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल में इन्हें पढ़ाया था, तो इंग्लिश 6 या 7 क्लास के बुक में, इंग्लिश के लिटरेचर में एक स्टोरी थी, एक राजा और एक साधु के साथ में। राजा का ही प्रश्न था, यही 3 प्रश्न थे कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। इसी का वो आंसर ढूंढते ढूंढते जंगल में चला गया था, एक बड़ी सी स्टोरी है, लास्ट में उसको ये आंसर मिलता है। तो वही मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपके सामने रखा,
वो जब मैं उस क्लास स्कूल में पढ़ा रहा था ना, तो वहां से उस स्टोरी के बाद मेरे जीवन का पैटर्न चेंज हो गया। उसके पहले तक मैं भी सोचता था कि फ्यूचर में क्या करूंगा, जो प्लानिंग होती थी वो फ्यूचर को सोच के होती थी, लेकिन उस क्लास को लेने के बाद से मेरी प्लानिंग प्रेजेंट को लेके होती है। मैं फ्यूचर अब नहीं सोचता हूँ, भले हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ओपिनियन गलत हो, लेकिन उसके बाद से मैंने जीवन में चेंजेस लाए हैं, क्योंकि मुझे प्रेजेंट का चाहिए। मतलब आपको ये कहो कि एक साल ये काम फ्री में करना है या इतने पैसे में करना है, आगे फायदा होगा, नहीं, मुझे अभी चाहिए, आगे का जो होगा वो देखा जाएगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि उस आगे के चक्कर में मेरे काफी कीमती समय बर्बाद हुआ। तो इसलिए प्रेजेंट ही इम्पोर्टेंट है। तो वही वो जो ये मैंने जो आपसे बातें शेयर की, जो मैंने भी कहीं पढ़ा था, ये हर एक एस्पेक्ट के लिए लागू है, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे बिजनेस में, प्रोफेशन में, जिसमें भी है, सब में है, अप्लीकेबल है। तो वो अब प्रेजेंट जो समय चल रहा है 4G का है, 5G पे ट्रांसफॉर्म होने वाला है, अब उसमें आप ट्रेडिशनल चीज को पकड़ के बैठे हैं कि नहीं, हम इसी के अनुसार करेंगे और इसी के लिए आप रेमेडीज बताइए, तो मुझे तो नहीं लगता ये प्रैक्टिकल है। समझ रहे हैं, ये जो इतना हमने बातें की, इसमें से डायरेक्टली इसका एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रो वास्तु से कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली है, क्योंकि ये लोगों की मेंटेलिटी है, टेम्परामेंट है, हमें उसी से डील करना है, तो ये इनडायरेक्टली है और इसको जानना पड़ेगा, क्योंकि आप उस चीज को, काम के पैटर्न को नहीं बदलेंगे तो एस्ट्रो वास्तु ना कोई रेमेडीज आप करके देख लो क्या होगा। ऑनलाइन आप स्केल अप कर सकते हो, ऑफलाइन आपके लिमिटेशंस हैं। नहीं, यदि लेंस कार्ट ऑनलाइन नहीं आया होता, जगह जगह अपने आउटलेट नहीं खोला होता, तो किसी एक शहर में वो कितना भी बड़ा दुकान बना के क्या कर लेता। अब त्रिलोचन जी सूरत से दिल्ली नहीं ना चले जाते लेंस कार्ट में चश्मा बनवाने, लेकिन वो अब तक पहुंचा। मतलब एक बात समझिए, तो वो जब अप्रोच काम में लाएंगे तभी हो पाएगा। मैं कितना भी अच्छा पढ़ाता रहूं, कितना भी अच्छा कंसल्टेशन देता रहूं, तो मेरे शहर के कितने लोग मेरे पास आएंगे, 100% तो कभी नहीं हो सकते। लेकिन वही जुड़ने का मैंने प्रोसेस बदला, तो अलग अलग शहर कहीं ना कहीं से तो लोग आते रहेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो ये पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब ये राशि चार्ट है, इसके थ्रू हम इनके समझते हैं कुछ चीजों, कुछ जो मेनली प्रोफेशन इनका रिलेटेड है, तो इसलिए प्रोफेशन वाले सेक्शन को ही इसमें समझते हैं। शनि जो है वो जातक के प्रोफेशन को बताता है, ठीक है। शनि सूर्य के साथ है, सूर्य आयुर्वेदिक दवाओं का कारक होता है, आयुर्वेदिक दवाएं इनके साथ जुड़ी हैं। शनि का संबंध मंगल के साथ है, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स हो गया, सिक्योरिटी फोर्सेस हो गए, सिक्योरिटी सर्विसेज हो गए, नहीं, साथ ही साथ आपका जिमनाजियम से रिलेटेड जिम वगैरह, तो वही स्पोर्ट्स उसमें आ भी गया, या बॉडी बिल्डिंग का शौक वगैरह होना। तो इंटर स्कूल में, यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उनकी कैरियर क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ पाई। नरेंद्र हिरवानी जो एक क्रिकेटर थे, ज़्यादा फेमस तो नहीं थे लेकिन फिर भी ठीक ठाक थे, तो वो इनके साथ ही खेलते थे और वो आगे इंटरनेशनल तक पहुंचे, लेकिन ये नहीं पहुंच पाए। साथ ही इनके कई फ्रेंड लोग रणजी में भी खेले। सनी मर्क्यूरी के साथ है, ऐसा आदमी काफी अच्छे प्लानिंग के साथ बिजनेस करता है, उसकी प्लानिंग जो है वो जबरदस्त होती है, वो किसी को अपनी प्लानिंग बताने के बजाय करके एग्जीक्यूट करने में विश्वास रखता है। लेकिन चूंकि मर्क्यूरी वक्री है, तो इस कारण क्या है कि वो उसका अच्छा बेनिफिट इनको नहीं मिल पाएगा, ठीक। साथ ही साथ वीनस धन का कारक है, तो वीनस धन का कारक है और मर्क्यूरी वक्री होने के कारण मर्क्यूरी यहां से भी आके रिजल्ट देगा, तो वक्री मर्क्यूरी जब वीनस के साथ ऐड होगा तो पैसे फंसने की संभावना ज्यादा होगी, ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पैसे फंस जाएंगे बिजनेस रिलेटेड। ये मर्क्यूरी पैसे को फंसाएगा, साथ ही साथ आप इसको समझें, मर्क्यूरी सॉरी, ये पैसा आने के लिए तो शुक्र के पीछे राहु है, तो उसके कारकत्व को ऐड करना होगा पैसा के लिए। यानी राहु की जो विचारधारा है, जो बुद्धि है, जो नेचर है, उसको आप में लाना होगा।
यानी ज्यादा आप धार्मिक बनेंगे, ज्यादा आप सीधे बनेंगे तो चल नहीं पाएंगे। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं तो वो आप खत्म हो जाएंगे, यानी राहु की तरह एक चालबाजी आपको लाना पड़ेगा। साथ ही साथ मर्क्यूरी क्या है, मल्टीपल सोर्सेज को बताता है, ऑनलाइन वर्क को बताता है, समझ रहे हैं? यानी आपको ऑनलाइन अपने काम के तरीके को एग्जीक्यूट करना होगा, मल्टीप्लिसिटी यानी एक चीज पर डिपेंड नहीं रहना होगा। अब इनके केस को हम समझते हैं, तो जैसे इनका बिजनेस है दवाओं का, 50 51 52 साल है, तो जनरली उम्र के साथ भी कई बार होता है कि कोई आदमी चेंज नहीं करना चाहता, समझ रहे हैं? तो बदलना नहीं चाहता तो ठीक है, काम को एक रखो, करने के प्रोसेस को तो बदल दो, उसमें तो चेंज ला सकते हैं। यानी जो आप बेच रहे हो कि 9 से 5, 9 से 6 या 8 से 4, जो आप दुकान पे बैठ के बेच रहे हो, उसके साथ साथ हर एक प्रोडक्ट को लेनी है। मोबाइल है ही, मोबाइल से एक उस प्रोडक्ट के बारे में बनाओ कि ये क्या है, किस चीज़ में यूज होगा। सिंपली आंवला ही आप बनाते हो, आंवला का चूर्ण नहीं बनाते हो, हर एक आदमी जानता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जानने के बाद भी तो सारी चीजें आ रही है ना, लोग वीडियोस को देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस में देखिए मिलियन व्यूज है, सब्सक्राइबर किस चीज का है, वो डेली रूटीन अपना डे टू डे डाल रहा है, उसको ही लोग देख रहे हैं। नहीं तो वो एक आप हर एक प्रोडक्ट के बारे में बना के डालते जाओ, जो भी अपना कॉन्टेक्ट नंबर दो, 1000 लोग में 10 लोग तो पहले कॉन्टेक्ट करें, करना ही है, सिंपल सी बात है। और हर एक शहर में कुरियर से लेके स्पीड पोस्ट सारी की फैसिलिटी उपलब्ध है, तो वो सब मर्क्यूरी ही गवर्न कर रहा है। तो आपका ऑफलाइन काम हो रहा है, आपका ऑनलाइन काम हो रहा है, या फिर आपने एमआर वगैरह रखे हैं तो वो कर रहा है, तो क्या हुआ, बिजनेस डीलिंग में मल्टीप्लिसिटी आ गई कि नहीं आ गई? नहीं। तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। मर्क्यूरी एडवर्टीजमेंट को भी रिलेट करता है, तो जो पहले ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड था एडवर्टीजमेंट का, कि जैसे आप पेपर में देते थे या पोस्टर वगैरह दीवारों पे चिपकाते थे या बैनर वगैरह लगते थे, वो चीज़ें अब फेसबुक में आ रही हैं। यानी अपने शॉप अपने बिजनेस के नाम से फेसबुक पेज बनाइए और स्पॉन्सर्ड पेज हो जाए, तो वो फेसबुक के साथ इंस्टा पे चलता है। तो ये चीजों को करना होगा, यानी फ्लॉप होना और सक्सेस होना एक ही कॉम्बिनेशन से एक ही साथ निकल रहा है। यहाँ एक इनके लिए सबसे निगेटिव पॉइंट क्या है कि जो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ राहु है, राशि हटा दीजिए किसी भी राशि का, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो आपका विजन होता है ना, उसको उसकी क्लैरिटी को खत्म कर देता। यानी इसको आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके चारों तरफ धुआं हो, धुएं से होके देखना हो, तो धुएं से होके देखना क्या है ना, कंप्लीट अंधेरा ही होगा ना, क्लैरिटी ही आएगी। तो ये विजन क्लियर नहीं होने के कारण ये बंदा अपने हर एक डिसीजन में फंसता जाएगा। बहुत से ऐसे केसेस में हमने देखा है, राहु फर्स्ट हाउस में है वो, खासकर पैसे की लेन देन के मामले में। और एकदम मेरे क्लोज, मैं आपको बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं, उनके मौसी का लड़का यानी उसके भाई हो गए, उनके 20 लाख रुपए फंसे हुए थे रोड के कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्क में, उनके एक पार्टनर ने लिए हुए थे। जब वो मुझसे मिले, मैंने बोला, कुंडली देखी, मैंने ये कहा कि ठीक है आप कोशिश करो जो आपको करना है पैसे निकालने के लिए, लेकिन अब इसको पैसे मत देना, कुछ भी कहे। मेरे कहने के बाद इन्होंने 12 लाख रुपए और उसको दे दिए। किस आधार पे? अब उसका ये था कि ये पेमेंट फंसा हुआ, जैसे इस काम को हम कर देंगे तो इसमें से निकल जाएगा, मेरे पास नहीं है, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख करके 12 दे दिया, यानी 20 12 32 लाख रुपए चलेगा, 32। अब आप सोचिए कि क्या मिला। त्रिलोचन जी क्लियर है या सो गए? राजेंद्र जी बोलिए। हाँ, क्लियर है सर। यानी पैसा निकालने के लिए आप ये सोच रहे होंगे कि एक स्थिति को हम करें, यानी पैसा निकालने के लिए, फिर हम दूसरा देते जाएं तीसरा, तो वो सब का सब फंसता जाएगा और उससे कोई फायदा नहीं होना, कोई बेनिफिट नहीं मिलना। यहां तक जो मैंने बताया आपको लग्न कुंडली से, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्लियर है? तो बिजनेस नहीं चलना और पैसा फंसना, दो इनकी समस्या है। अब हम आते हैं सबलॉर्ड्स को, देखते हैं सबलॉर्ड्स कैसे हैं। इनकी कुंडली में लग्न यानी फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड है शनि, सेकंड हाउस का सबलॉर्ड है वीनस। सेकंड हाउस को क्यों देखना? सेकंड हाउस क्या है? आप जो सेविंग्स करते हैं, जो पैसे बचाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड हाउस आपके बचाए हुए पैसे का है, और यदि सेकंड हाउस आपका खराब होगा तो पैसे आपके पास नहीं बचेंगे,
यानी आपके पैसे दूसरे के पास रहेंगे रहेंगे ना। बोलिए शीतल जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी आपके बचाए हुए पैसे लोगों के पास रहेंगे। ठीक है त्रिलोचन जी? जी सर। इस स्थिति में हमें सेकंड को देखना है, साथ ही साथ बिजनेस की बात है तो सेवेंथ के सब लॉर्ड को देखने और प्रोफेशन है तो टेंथ को देखना है। तो सेवेंथ का सब लॉर्ड शनि है और टेंथ का वीनस है, यानी 1, 2, 7, 10 शनि और वीनस ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यानी हमें देखना है कि शनि और वीनस हैं कैसे, कैसे रिजल्ट दे रहे हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना कि शनि और वीनस को ही क्यों देखना? हाँ सर। हाँ अब लग्न का जो सब लॉर्ड है शनि, ये लाइनिंग कैसे बीच में आ गया, आपने दिया है क्या? चलिए आ गया। लग्न का जो सब लॉर्ड है शनि, वो देखिए बैठा है थर्ड हाउस में, कस्प लॉर्ड है फर्स्ट हाउस का, उसका जो स्टार लॉर्ड है सन, वो सेकंड का रिजल्ट दे रहा है, यानी 1, 2, 3 का रिजल्ट दे रहा है। 1, 2, 3 को कैसे रिलेट करेंगे? फर्स्ट हाउस जातक स्वयं हो गया, सेकंड हाउस धन आएंगे, थर्ड हाउस के थ्रू आएंगे, यानी थर्ड को जोड़ना होगा कि नहीं होगा? तो थर्ड को कैसे जोड़ेंगे? थर्ड हाउस ट्रेवलिंग का है। त्रिलोचन जी बोलिए, कुछ इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, सिर्फ सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा? राजेंद्र जी बताइए। थर्ड हाउस ऑनलाइन का है। ऑनलाइन भी है ना? ऑनलाइन भी है, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगी। यानी मार्केटिंग करना होगा, ऑनलाइन वर्क है तो मार्केटिंग और जो प्रमोशन है वो प्रेजेंट के हिसाब से करनी होगी ना? हाँ, प्रेजेंट के हिसाब से करनी होगी। इस चीज के लिए तो आप सिर्फ ज्योतिष पे नहीं हो सकते, इसके लिए तो प्रेजेंट में मार्केट की नब्ज क्या है उसको पकड़ना होगा। आज मैं एक रेस्टोरेंट में था, वहां मैंने देखा कोका कोला का जो प्रचार है वो जाह्नवी कपूर और ये ईशान खट्टर, न्यू एज के जो एक्टर हैं उनको लिया हुआ है, क्योंकि उसका टारगेट है यूथ को पकड़ना है, तो वो पकड़ना है तो नए जमाने के बच्चों को लेके जोड़ा। अब इस चीज के लिए अब इसको आप सोचोगे नहीं, इसको भी हमें एस्ट्रोलॉजी से ही जानना है। अरे ये कुछ चीजें आपका बिजनेस सेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो आप जहाँ पे हो, जो बिजनेस का आपका मार्केट है उसके हिसाब से पकड़ना। तो शनि ने यहाँ क्या हिंट दिया कि आप स्वयं पैसा कमाओगे, कहाँ से कमाओगे? तो थर्ड हाउस को रिलेट करके, ऑनलाइन जाओ, पब्लिशिंग करो, इसका मार्केटिंग करो, ट्रेवलिंग करो, जैसे करना है करके आप पैसा कमाओ। ये सेवेंथ हाउस का भी है। अब डायरेक्टली देखिए तो शनि में सेवेंथ और इलेवेंथ हाउस नहीं है, सेवेंथ का कस्प सब लॉर्ड, सेवेंथ हाउस क्या है? बिजनेस का है। तो इस बिजनेस हाउस में जो बिजनेस का हाउस है सातवां, वो खत्म है, मिसिंग है, और जो 11वां विश फुलफिलमेंट का वो मिसिंग है। तो 7 और 11 ये जो है, तो क्या आपको लग रहा है कि बिजनेस को उतनी हाइट मिलेगी जो इनको चाहिए? नहीं, मुश्किल है। वाला यहाँ से मिल गया आंसर कि बिजनेस आपके लिए उतना सुटेबल नहीं है, और करना भी होगा तो आपको थोड़ा सा थर्ड हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज को लानी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, तो 10th हाउस वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वीनस देखिए कहाँ है, बैठा है फर्स्ट में, 49 का कस्प लॉर्ड, ठीक है, 149। साथ ही साथ वीनस सेकंड का सब लॉर्ड है, 5 का सब लॉर्ड, 8 का सब लॉर्ड है, 258। तो 149 के साथ 258 का भी रिजल्ट देगा। अब इसमें एक भी बिजनेस को, यानी सेकंड हाउस को छोड़ दें, तो 7 और 11 इसमें से भी खत्म हो गया कि नहीं हो गया? और 8 आने के कारण क्या है, कोई भी हाउस अकेला अच्छा या खराब नहीं होता, कॉम्बिनेशंस के हिसाब से देखेंगे। 5, 8 क्या करेगा, आपके पैसे फंसेंगे, वैसे ही लोग आपसे जुड़ेंगे। 5 और 9 क्या करेगा कि 5 और 9 आप मांग नहीं पाएंगे,
159 धर्म त्रिकोण के नंबर हैं। पहला पांचवा और नौवा भाव होता है ना धर्म त्रिकोण का, ये धर्म त्रिकोण का यानी धार्मिक नेचर की अधिकता होगी। तो जब ये आपके प्रोफेशन वाला जो भाव है वो धर्म त्रिकोण को रिलेट कर रहा है तो अर्थ की परेशानी होगी कि नहीं होगी, पैसे की समस्या होगी जी। यहाँ तो फोर्थ हाउस भी है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? नहीं उसका भी आएगा। क्या हुआ? नहीं यही पूछ रहा था ना, धर्म त्रिकोण के भाव में है, फोर्थ हाउस भी आ रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन को देखे फोर्थ हाउस का भी इम्पैक्ट रहेगा तो कितना कम यहाँ पे कम हो पाएगा? फोर्थ हाउस सेवन से देखेंगे तो टेंथ आएगा, सेवन टू टेन आता है तो जनरली उसका जो लिंकेज होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। यानी इसका मतलब वो बिजनेस के मामले में यदि आप उसको यूज ना करें तो वो निगेटिव नहीं है फोर्थ हाउस, ठीक है। बाकी जो है ये 1589 ये निगेटिव है। फिफ्थ हाउस क्या है? आपके सामने वाले का यानी सातवां भाव आपका कस्टमर हुआ तो उसका लाभ हो गया फिफ्थ हाउस, यानी उसको लाभ होगा। आठवां भाव उसका धन हुआ, सेवेंथ का दूसरा आठवां। और 159 आपका धर्म त्रिकोण का भाव है तो जब आपका प्रोफेशन धर्म त्रिकोण से संबंधित हो गया तो अर्थ की यानी पैसे की समस्या देगा ना आपको। तो ये क्या है कि पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम इनको आएगी। अब यहाँ पे यदि क्वेश्चन उठता है कि क्या इनकी कुंडली में बिजनेस के योग हैं, तो नहीं है फर्स्ट थिंग। तो क्या शुक्र यहाँ पे खराब है? तो कोई भी ग्रह खराब कब होगा? जब हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करेंगे तो खराब है, और जब हमारा एक्ट उसके अनुसार हो जाएगा तो अच्छा है। यानी टेंथ हाउस जो प्रोफेशन का है तो उनको अपने प्रोफेशन मीन हाउसेस को रिलेट करना होगा, जोड़ना होगा, इनसे संबंधित ही काम करने होंगे। 5, 8, 9 उधार बंद कर देना होगा क्योंकि उधारी वापस नहीं आएंगे। 589 एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड फील्ड को भी बताते हैं, हीलिंग को भी बताते हैं। यानी एस्ट्रोलॉजी में यदि इंटरेस्ट है तो इस बिजनेस को अपना लें। 5 और 8 कमीशन का भी है, कमीशन बेस्ड आप काम कर सकते हैं। यानी अपने काम को जो भी आपका वर्किंग पैटर्न है उसमें इन हाउसेस की एक्टिविटीज को एड ऑन करना होगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब सिंपली सिर्फ इस आधार पे हम कहें कि इनकी कुंडली खराब है तो ये अधूरा बात होगा। कोई भी कुंडली अच्छा और खराब नहीं होता, उसके आधार पे हम काम करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक। अब इस आधार पे ये चीजें हमने प्रैक्टिकली इनको सजेस्ट की, लेकिन अब है क्या कि दिमाग में अब घूम रहा है बार बार रेमेडीज, ये राशि परिवर्तन इतना हो रहा है, मतलब मुझसे ज्यादा राशि परिवर्तन इनको याद था। राहु केतु इन चार को छोड़ दीजिए तो बाकी राशि परिवर्तन पर विशेष मैं ध्यान भी नहीं देता, वो तो स्लो ये फास्ट मूविंग प्लेनेट है, सब तो बदलना ही है। अब उस हिसाब से आप ये ध्यान में रखें कि हाँ ये बदल रहा है। और दूसरी बात ये है कि सबके राशि परिवर्तन सभी लोगों के लिए होते हैं, तो गोचर किससे लिंक है? आपकी कुंडली से लिंक है। शनि 11 नंबर राशि में जाएगा तो पूरी दुनिया के लोगों के लिए जाएगा, मेरे लिए थोड़ी जा रहा है। अब मेरी कुंडली में क्या है, शनि का रोल है, और मेरे वर्किंग पैटर्न कैसे हैं उस आधार पे मेरे ऊपर इम्पैक्ट होगा। बाकी ऐसे आप फेसबुक और यूट्यूब पे देखेंगे तो सभी ज्योतिषी 5-6 राशि को काफी अच्छा बता रहे होंगे और 6 राशियों को खराब बता रहे होंगे। आधा इंडियंस तो करोड़पति हो जाएंगे शनि के राशि परिवर्तन से, 12 राशियां तो 6 वाले हो जाएंगे। तो ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है, समझ रहे हैं, ऐसी चीजों का, उलझल उल चीजों का। अब बात ये आती है कि क्या रेमेडीज नहीं है? है। मेरे ये कहने का मतलब है कि अभी इनके प्रोफेशन आपने देखा सेवेंथ हाउस नहीं है, इलेवेंथ नहीं है, तो आप 7-11 को एक्टिवेट कर देते हैं, 2-6-11 के जो निगेटिव हिट है उनको तोड़ देते हैं, तो क्या आपको लग रहा है रिजल्ट मिलेगा? काम इनका उस लायक नहीं है ना, वर्किंग पैटर्न तो वैसा नहीं है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा आप ये बताइए। अभी भी वो फिलहाल हाउस एक्टिवेट है उसके हिसाब से करेंगे और हिट तोड़ेंगे तो मिलेगा। 7 और 11 काम करेगा,
आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं वो भी बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? आप सर्विसेज दे रहे हैं, सिक्स का रोल है, कुछ प्रोडक्ट उसमें बेचेंगे जोड़ के तो सेवेंथ का रोल है। यानी जब आपका काम उस डायरेक्शन में जाएगा, चूंकि कुंडली में मात्र 12 भाव ही है और घटनाक्रम हमारे जीवन में हजारों हैं, जो हमारे काम का पैटर्न होगा, जैसे हम फोर्थ हाउस का एग्जांपल लें, फोर्थ हाउस से आप घर भी देखते हैं, गाड़ी भी देखते हैं, साइकिल भी देखते हैं और जेट भी देखेंगे, तो ये हम कैसे बता सकते हैं कि फोर्थ हाउस साइकिल बताएगा, फोर्थ हाउस बाइक बताएगा, फोर्थ हाउस प्राइवेट जेट को बताएगा? वो तो डिपेंड करेगा हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे हम क्या सोचते हैं फोर्थ हाउस को। किसी के लिए 10 लाख की गाड़ी भी ड्रीम गाड़ी होगी और किसी के लिए 50 लाख भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा, समझ रहे हैं? तो यही बात है हाउस एक्टिवेशन की, जो हम बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ ये सोच के 7 और 11 एक्टिवेट कर दें कि इनकी कुंडली में 7 और 11 नहीं है, तो ये हमारे पर्पस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इससे क्षणिक लाभ मिलेगा, आगे नहीं मिलना। लेकिन वो 7-11 इनके लिए कब 100% काम करेगा? जब जो हाउसेज, चूंकि सिर्फ पूरा कुंडली का जो विश्लेषण है, सिर्फ 2 हाउसेज पे तो है नहीं, सभी 12 हाउसेज का रोल है, तो जो आप वर्चुअली एक्टिवेट कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि जो पहले से ऑलरेडी एक्टिवेटेड है उनको खत्म कर दे। हमें उनको सहयोग लेना होगा ना, आप इस चीज को समझिए। यानी अभी के कंडीशन के अनुसार आप 7 और 11 को एक्टिवेट करते हैं तो दोनों में कंट्राडिक्शन है। 5, 8, 9 जो प्रॉब्लम देगा, 1, 5, 8, 9 धर्म त्रिकोण के भाव है, अर्थ में प्रॉब्लम करेंगे, पैसे को फंसाएंगे। अब इनका ये नॉर्थ में खींच रहे हैं, 7 और 11 साउथ में खींचेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अब 1, 5, 8, 9 से काम जुड़ जाए और तब 7, 11 ऐड हो जाए तो पूरा का पूरा ना एक होल कॉम्बिनेशन इनके लिए काम करेगा। तो होल कॉम्बिनेशन यदि 50% भी कर दिया तो बेटर हो गया। तो ये मेरे कहने का आपको और ये परफेक्ट कुंडली लगी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं कि इसको समझें कि कैसे जब हम रेमेडीज बताएं, हमने इनको सारी रेमेडीज बताई हैं एस्ट्रोलॉजिकली और एस्ट्रो वास्तु की भी, लेकिन बेहतर ये है कि उसके साथ साथ ये सारा जो पैटर्न है वो हमने इनके सामने लगभग 1.5 से 2 घंटे बातें हुई वो सब क्लियर कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी, समझ रहे हैं? कि ये लेके अब डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि आप फिर क्या है, मेरी बात मानो या ना मानो, फिर आप 2000-4000 देके किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, किसी तीसरे के पास जाओगे, चौथे के पास जाओगे, फिर कोई ना कोई रेमेडी करोगे। ऐसे करते 51-52 साल तो निकल ही गए, 2-4 साल और निकल जाएंगे, क्या मिलना? वैसे बेसिकली 60-70% चांसेस है कि उन मानेंगे नहीं मेरी बात, जानते हैं क्या हूँ, राहु की दशा चल रही है और शनि चार में होता है तो भी लोग बदलना नहीं चाहते, ऐसा देखा मैंने। हाँ वो भी है, ठीक है, और इनकी दशा देख लीजिए, दशा है राहु का और अंतरदशा भी है 24 तक का। तो अपना अनुमान है कि जुपिटर की अंतरदशा जो 24 में चालू होगी जुलाई में, उस समय तक ये मेरी बात नहीं मानेंगे, समझ आ रहा बात? क्योंकि राहु जो है रिजल्ट दे रहा है 1, 3, 12 का, 1, 3, 12 तो यात्रा तो कराएगा ना, स्टेबिलिटी होगा नहीं, राहु भरम का ऑलरेडी, समझ रहे हैं? तो ये चीज, अब इसमें कुछ आपका क्वेश्चन है कुछ ऐसा है तो उसको पूछ लीजिए, कुछ नहीं समझे हैं या आपको क्या लगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लगा वो भी यहाँ पे ऐड ऑन कर दीजिए, हम भी आप लोगों से कुछ सीख लें। हाँ ये सीखना सिखाना का प्रोसेस खत्म होने वाला थोड़ी है, कोई ये कहे कि नहीं मैं सर्वज्ञ हूँ सब जानता हूँ, ये तो मूर्खता की निशानी है, कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें लगी वो मैंने आपको उस कुंडली में बताई, अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो लगे वो आप बताइए। बोलिए शीतल जी, कुछ पूछना है या कुछ है? सर मेरा जो स्टडीज है, मेरे हिसाब से जो इनके 7th हाउस में जो केतु बैठा है ना, काम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही दे रहा होगा इनको, क्योंकि उसमें क्या होता है वो जो चाहेंगे उसके डूब जाएंगे, अगर काम चाहे लगाव का कारक है ना। हाँ जी,
तो जब वो न्यूट्रल होके काम करेंगे तभी मेरे को लगता है उनको काम में तरक्की मिलनी चाहिए। यानी केतु के तौर पे जो केतु सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है तो उसकी एनर्जी को यूज करना नहीं, उसके मतलब जो नेचर है उनको अपने वर्किंग पैटर्न में लाना। हाँ जी सर। और एक और चीज जो मुझे लगती है, जैसे आपने एक्सप्लेन की उसी तरीके से, जैसे 158 का आता है तो सेल्फ लेंगे, पांच कुछ बच्चों को बुलाएं उसके साथ, अपने प्रोडक्ट पे बच्चों की फोटो डालें, और एक कुछ हिडन एक्टिविटी मतलब कुछ सीक्रेट रेसिपी की मेडिसिन हो। मेडिसिन का काम करते हैं साथ ही, एस्ट्रोलॉजी में उनका इंटरेस्ट है, मतलब सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी भी कहीं कहीं से, तो एट्स हाउस वो भी है। मेडिसिंस की बात के लिए कर रही थी कि कुछ भी करते हैं तो जब इनकी एक्टिविटी लाएंगे तो डेफिनेटली उनका काम चलना चाहिए, मतलब उन हाउसेस को तो एक्टिवेट करना होगा ना। और सर मैं तो ट्रांजिट को भी मानती हूँ कि अगर इनके फोर्थ हाउस में जहाँ पे जलन का शनि है, अगर वहां पर राहु आता है, फर्स्ट में राहु आ जाएगा, राहु की दशा भी चल रही है इनकी, तो सर वो तो इनको काफी प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। ये प्रॉब्लम्स देगा भी फ्यूचर की बात चली गई, ये तो शुरू से ही चला आ रहा है, मतलब 51-52 साल की उम्र में आज तक सेटल नहीं हो पाया बिजनेस। तो सर वो तो मैं तो उसको केतु के लिए मानूंगी, मुझे लगता है फिर कुछ ना कुछ घर में भी प्रॉब्लम होगी। घर में वास्तु में डेफिनेटली प्रॉब्लम है, कुछ समय के लिए इन्होंने घर छोड़ा था, मंगल की दशा थी उस टाइम में, इनके लिए अच्छा था। अब मंगल की दशा में आप देखेंगे तो मंगल ने रिजल्ट 12th हाउस का आप, आप देखें तो 3-10-11 का रिजल्ट दे रहा है, ये वाला चार्ट आपको दिख रहा है 3-10-11 मंगल का, मैंने अभी रेड कलर से मार्क किया हुआ, दिखा? यस यस, ये 3-10-11 का दे रहा है, तो इसमें क्या हुआ, चार से घर से अपने घर से दूर किया 3-10 और 11, तो मंगल की दशा इनके लिए अच्छी गई थी, थोड़ी अच्छी गई थी कंपैरेटिवली बाकियों की तुलना करें, अदरवाइज ये समस्या इनके लिए ज्यादा दिया है। दूसरी बात, जब हम केतु की कर रहे हैं तो केतु वैसे भी सेवेंथ हाउस में, जो आपने देखा लग्न कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में केतु का जो स्टार लॉर्ड है 2568 वो भी दे रहा है, हाईवेट के साथ प्रॉब्लम तो वो भी क्रिएट किया, और सब लॉर्ड को जोड़ दें तो 5-8-12 के कॉम्बिनेशन बन गए करेंटली। लेकिन चूंकि अभी दशा में वो ग्रह नहीं है, 6-7-10 से रिलेटेड नहीं है, वैसे अलग बात है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। मेरे जो एनालिसिस मैंने जो किया उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने देखा कि 1-2-6-7-10 इसमें किसी में केतु नहीं था और उसकी दशा में भी नहीं था, मतलब दशा भी राहु की चल रही है, इसलिए मैंने केतु को छोड़ दिया। बताइए सर, मैं इसमें ये पूछना चाहती हूँ, एक बार आप ट्राई करो ना कि केतु भी हिट तोड़वा दो, एक बार ट्राई करके देखते हैं, देखो हिटन ट्रायल तो चली गई, क्या पता उससे इनको फर्क पड़ जाए, क्योंकि वो तो किया हुआ है, वो चीजें की हैं जो भी जितने हिट थे वो, और हाउस एक्टिवेशन वाली रेमेडीज हमने इनको बताई हैं, ठीक है। लेकिन ये चीजें चूंकि क्या है, मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ, फेज से गुजरने से मतलब है कि जो काम मेरे अनुसार नहीं था, यानी जिसके लिए मैं बना नहीं था, उस काम को करने से कोई फायदा नहीं मिलता था। जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस करूं और उसमें पैसा बाद में आना, वो काम नहीं चलना, मैंने जैसे स्कूल्स खोले वो नहीं चला, ट्रांसपोर्ट का काम किया वो नहीं चला, खाद का काम किया वो नहीं चला, समझ रहे हैं? तो जो नहीं चलना, यानी कि वो मेरी कुंडली के अनुसार वो जो महादशा चल रही है उससे मैच ही नहीं कर रहा था। अभी मेरी महादशा शुक्र की है, शुक्र 3-5-10 दे रहा है, 3-5-10 ट्रेडिशनली देखेंगे तो इसमें धन वाले नंबर ही नहीं है, 2-6-11, 2-6-11 नहीं है, 2-7-11 भी नहीं है, लेकिन मेरा जो काम है वो 3-5-10 से ही संबंधित है। पांचवा भाव टीचिंग का है, पांचवा भाव हीलिंग का है, थर्ड हाउस ऑनलाइन वर्क है, 10th हाउस मेरे प्रोफेशन का है, अब इससे मैंने जोड़ लिया है तो कम या ज्यादा तो धन तो यही दे रहा है ना। और इस आधार पर चाहे जो मैंने अपने हिट का काम किया हो या फिर मैंने अपने वास्तु का काम किया हो, लेकिन अब इसी के ठीक उलट मैं अपने प्रोफेशन को बदल के मैं ये सोचूं कि मैं एक बिजनेस कर लेता हूं जिसमें पैसे इन्वेस्ट करके कोई काम करता हूं और रेमेडी सारी यहीं रहेंगी, लेकिन फिर क्या है कि जो हाउसेस का यूटिलाइज, क्योंकि हमें क्या है सब एक कंबाइंड रूप में देखना है, एस्ट्रो वास्तु यानी एस्ट्रोलॉजी का भी कॉम्बिनेशन और वास्तु का भी कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हैं? किसी के थोड़ा सा, जैसे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है,
किस स्थिति में सही है। अब एक आदमी बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसको खड़ा करना है तो जो भी इंजेक्शन देना है, टेबलेट देना है, जो आप दे के उसको खड़ा कर दो। लेकिन अब किसी को दौड़ाना है, किसी को अंडरटेकर और खाली बनाना है, वो तो दवा से नहीं बन पाएगा। नहीं मतलब ये चीज भी क्लियर है कि रेमेडीज का आखिर कहाँ तक लिमिटेशंस हैं, क्या हम कर पाएंगे। तो बाकी चीजों से क्षणिक प्रॉब्लम ठीक है सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपके बिजनेस की स्थिति ही यही रहेगी तो वो कहाँ से सही कर देगा, करेगा नहीं करेगा। तो कुछ समय के लिए पार्टिकुलर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे समस्या है 2-4-6 महीने के लिए, तो उसको हम सॉल्व कर देते। अदरवाइज इनकी जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो पूरे बैक हिस्ट्री के अनुसार यही निकल रहा है कि कुछ भी नहीं कर पाए। तो 50-51 साल की उम्र होने के बाद कुछ भी नहीं हो पाया, यानी डेफिनेटली जो चीजें हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मैच कर रही है। जिसमें एक स्थिति 7th का केतु भी है, दूसरी स्थिति शनि जो 4th हाउस में बैठा है, शनि बुध सूर्य, वो भी है लाल किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं ये चीज है जो कर रहा है। लेकिन किसी एक को तो हम देखेंगे कि उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा लग रहा हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में हम कोई भी पकड़ते हैं। तो इनके काम का जो पैटर्न है वो अभी के हिसाब से मैच नहीं कर रहा, इसलिए समस्या ज्यादा है। और वो जब नहीं बदलेंगे तो फिर रेमेडीज से कोई फायदा नहीं होगा, जहां तक मेरा अनुमान है। क्योंकि देखना ये है, अब तक जितने लोगों से, कई लोगों ने कंसल्टेशन मुझसे लिया है जो एस्ट्रो वास्तु के थ्रू, तो पहले उनका ये भी व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता है कि सर हमने और भी जगह दिखाई थी, एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज लिया, या तो फायदा नहीं हुआ या फिर कुछ दिन बेनिफिट हुआ, उसके बाद आगे नहीं रहा। कुछ दिन बेनिफिट का रीजन यही है क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते, जो भी नया एक्सेप्ट करना है वो आप कर नहीं रहे, तो इस कारण आपको जो एक्चुअल बेनिफिट मिलना है वो नहीं मिल रही है। अभी डिजायर मैनिफेस्टेशन मेरे शुक्र की महादशा में, शुक्र का 11th हाउस पे मेरा निगेटिव हिट है 180 का, तो उसको तोड़ना है, बॉडी पे ही तोड़ लेता हूँ, वो मेरे अपनी कुंडली के अनुसार जाता है घुटने के नीचे, ठीक है। तो ठीक है, पहले की अपेक्षा बढ़िया है, मतलब इस रेमेडीज को करने से पहले जो कंडीशन थी, करने के बाद चीजें बेटर हुई हैं। बेटर क्यों हुई है? क्योंकि जो शुक्र मेरी कुंडली में बता रहा है, मेरा काम उसी के अनुसार है। वास्तु विजिट करने जाता हूं, 3rd हाउस यात्राओं का है, तो वो भी आ गया। यानी कंप्लीटली शुक्र की दशा, मेरा 10th का कस्पल सब लॉर्ड, 6th का कस्पल सब लॉर्ड, 6 और 10 दोनों शनि है, मेहनत का है, 2-4-11 शनि में है, तो घर पे भी है 4th हाउस, 2-11 जुड़े हुए हैं, 4th हाउस भी पढ़ने पढ़ाने से जुड़ा है। यानी काम स्ट्रिक्टली प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग है, तो वो चीजें ज्यादा काम कर रही है, ठीक है। बाकी आप सीख रहे हैं, हर एक आदमी के पास अपना थॉट प्रोसेस है, तो आप भी इस चीज को चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इससे आपका अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि कहां तक ये काम करेगा, किस केस में काम करेगा। कुछ और बोलना है, बताना है तो बताइए। राजेंद्र जी, त्रिलोचन जी, आप लोग भी कुछ कहिए। बस कुछ नहीं। ये क्लाइंट के सामने झुकते भी नहीं होंगे वो, जरा इसकी वजह से भी अभी हिसाब से तो मैंने नहीं पूछा। बेसिकली जैसे इनका जो आप भी देख रहे हैं धर्म त्रिकोण ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो बातें हुई तो पैसे वगैरह मांगने के लिए जो एक चीजें चाहिए कि ज्यादा किसी से स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पैसे के मामले में, तो वो चीज नहीं ले पा रहे हैं। केतु झुकाव का कारण है, नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। सर एक और चीज पूछूं, इनके फर्स्ट हाउस, इसमें इनके जो फर्स्ट हाउस में जो राहु है और उसकी दशा भी चल रही है, तो क्या उनका ईस्ट का वॉशरूम बंद करवाने से या उसकी रेमेडी करने से इनको थॉट क्लैरिटी मिलेगी? हाँ, वो होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके पास घर का मैप हो तब तो आप क्लियरली कर पाएंगे। इनके पास घर का मैप नहीं है, समझ रही हैं? तो मैप जब हो तो वास्तु वाला काम हम उसके अनुसार कर पाएंगे। बेसिकली राहु की अपनी जो डायरेक्शन है, राहु जिस राशि में बैठा है उसकी डायरेक्शन ले लेंगे, राहु के हाउस के डायरेक्शन ले सकते हैं, नक्षत्रों का ले लेंगे, लेकिन वो उतनी क्लैरिटी में आप
आप कहाँ से आएगी, जब मैप होगा तब आएगी, बिना मैप के हम कैसे समझ सकते हैं? नहीं तो वो चूंकि इनके पास है नहीं, और अंदाजे पे किया हुआ उपाय काम नहीं करेगा, पता चले हम दूसरा समझ रहे हो, हम रेमेडीज समझ रहे हो, जैसे अभी कल या परसों में मैं आप लोगों को वास्तु वाला भी एक शेयर करूंगा, एक मैप है, वो घर है ईस्ट फेसिंग, 35 डिग्री वहाँ पे नॉर्थ आ रहा है, अब जो ईस्ट फेसिंग हमें दिख रही है वो साउथ ईस्ट हो जा रहा है। अब सपोज करो आपकी ईस्ट में टॉयलेट का या कुछ भी का आप रेमेडी करना है, तो ईस्ट में जो रेमेडी होती है उससे अलग साउथ ईस्ट की होती है, तो बिना मैप के आप कैसे समझेंगे? मेरे जो क्लाइंट है उन्होंने भी बात जब हुई थी, जब मैं उनके घर नहीं गया था, तो उन्होंने बोला मेरा ईस्ट फेसिंग मकान है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वही था, जब मैंने मैप बना के उनको दिखाया सभी उनके घर के सभी लोग देखने लगे, वो चूंकि ईस्ट चला गया था दीवार में कॉर्नर में, मतलब ईस्ट में ईस्ट जोन में थोड़ा भी ओपन स्पेस नहीं है, जबकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था कि ईस्ट फेसिंग है, तो इन्होंने अपना भी 6-7-8 फीट जगह छोड़ा हुआ था, प्लस रोड जो है 30-35 फीट चौड़ा था, तो इनको क्या लग रहा था कि सब ओपन है ईस्ट में ही, समझ रहे हैं? तो उस आधार पे भी रेमेडी बताना, और खासकर फिर हम बिना मैप का किसी को ऐसे बता दें तो फिर हमारे लिए क्या हुआ, प्रोफेशनली तो फेलियर होगी ना, कि बिना मैप देखे हम कह दें वो उस तरह से कर भी दें और गड़बड़ हो जाएगी। तो ये भी वास्तु में जब तक फॉल्ट नहीं होगी तब तक समस्याएं ज्यादा बदतर नहीं होती हैं, समझ रहे हैं? यानी वास्तु आपका अच्छा है तो वास्तु एक बैकबोन की तरह एक सपोर्टिव है, वो काफी हद तक आपको रोकेगा संभालेगा, तो वास्तु में भी फॉल्ट है, लेकिन वो कब क्लियर होगा? जब मैप को। और कुछ तो आना चाहें तो बताइए, आवाज आपकी नहीं आ रही त्रिलोचन जी, बहुत स्लो आ रही है।